फ्रेंड्स, तुरई की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, बार बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। इसे हम कम मसालों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट बनाकर तैयार करेंगे, वो भी आसान तरीकों से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कशिश और आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी रसोई क्रिएशन में। तो चलिए आज की स्वादिष्ट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आधा कप काले चने को 4-5 घंटे पहले पानी में भिगोकर छोड़ दी थी। ये अच्छे से फूल गए हैं, आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। अब हमें चना को एक दो बार साफ पानी से अच्छे से रगड़कर धो लेना है और फिर अब हम इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे जिससे चना अच्छे से डूब जाए। अब हम इसमें 1/3 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और हल्दी भी 1/3 चम्मच। अब हमें कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और गैस पर चढ़ाकर हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगाना है। फिर फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर 4 सीटी लगाना है। फिर फ्लेम को ऑफ करके कुकर को ठंडा होने छोड़ देना है। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 kg नेनुआ लिया है। इसे कहीं कहीं तुरई या परोल भी कहा जाता है। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना कि आपके तरफ इसे किस नाम से जाना जाता है। अब हम नेनुआ के दोनों एड्ज को कट कर लेंगे। अब हम एक पीलर की मदद से इसके छिलके को उतार लेंगे। तो इसी तरीके से हमें सभी का छिलका निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर सभी को अच्छे से छील लिया है और पानी से वॉश कर लिए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो आप इसे चाहे तो अपने मनपसंद के किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। हम इसे बीच से चीरा लगाकर 2 भाग में कट करेंगे। आप चाहें तो गोल गोल भी कट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें सभी को कट कर लेना है। मैंने यहाँ पर सभी को कट कर लिया है और अब यहाँ 2 प्याज को भी लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें तेल ऐड करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। तेल के गर्म होते ही हम इसमें तेज़पत्ता ऐड करेंगे और 3 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर डालेंगे। अगर आपको सूखी मिर्च पसंद नहीं है तो आप इसके जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हैं एंड मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हमने जो 2 प्याज को लंबे स्लाइसेस में कट करके रखा था उसे इसमें ऐड करेंगे। अब हमें प्याज को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ब्राउन कर लेना है। तो प्याज अब यहाँ हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हमें इसमें मसाला ऐड करना है। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला पाउडर, 1/3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम सभी मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर नमक भी डाल सकते हैं। मैं नमक लास्ट में ऐड करूँगी इसलिए अभी नहीं डाली हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं और इस मसाले को अब अच्छे से भून लेंगे। तो थोड़ा देर भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टमाटर को लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे ढक देंगे और मसाला को कुछ देर पकने देंगे। तो 2 मिनट में मसाला से तेल अलग हो गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है। आप चाहें तो इसे बीच बीच में मिला भी सकते थे। अब मैंने जो चना को उबाल कर रखा था उसे इसमें ऐड करेंगे। ये अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे फिर से 1 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नेनुआ ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो ध्यान रखिए, हम चना को उबालने के टाइम भी नमक डाले थे तो ध्यान से डालें। एंड अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे। ये 1 ही मिनट में गलकर सॉफ्ट हो जाएगा। तो कुछ ही मिनट में आप देख सकते हैं नेनुआ यहाँ पर सॉफ्ट होने लगा है।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें ढक ढक कर ही पकाना है जब तक ये पूरी तरह से अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो अब हम इसे वापस से ढक देते हैं। तो लगभग 5 मिनट में नेनुआ यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। फ्रेंड्स, हमने इसे काफ़ी कम मसालों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट बनाकर तैयार किया है। आप लोग इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल कर सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सब्जी कितनी टेम्पटिंग लग रही है, वो भी कम मसालों के साथ, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सब्जी बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।